यो व्हाट्सअप गाइस, आप सब कैसे हो। तो गाइस, आज फिर दोबारा हम खेलने वाले हैं GTA 5। तो गाइस, आज का जो हमारा एपिसोड है ये 17 एपिसोड है। तो गाइस, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिन्होंने भी हमारे प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे, प्लीज़ गाइस आप पहले उन एपिसोडों को जाकर देखो, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। क्योंकि उनमें हमने काफ़ी मिशंस भी किए हैं और कार बाइक्स उनको भी एक्सप्लोर किया है, जो GTA 5 के जो एक्सपेंसिव कार्स हैं। तो गाइस, आज के एपिसोड में हम जो इस GTA 5 में एनिमल्स हैं, जो भी सारे एनिमल्स हैं, उन सबको एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो जो हमारे सामने पहला जो एनिमल है, तो आप देख सकते हो ये एक तरह से मुझे लग रहा है जंगली सुअर है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, हम अलग अलग लोकेशंस में जाने वाले हैं, क्योंकि जो जो जानवर है, जो एनिमल्स है, ये अलग अलग लोकेशन में भी हमें मिलेंगे, क्योंकि एक लोकेशन में तो हमें सारे मिलने नहीं वाले, तो हमें हर अलग अलग लोकेशन में जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो अभी मेरी पूरी टीम आ चुकी है, तो हम पूरी टीम के साथ 4-5 बंदों के साथ जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लोकेशन पर, जहाँ पर हमें एनिमल आराम से मिल जाए जिन्हें हम ढूँढ रहे हैं। तो अभी जैसे कि आपको मैं इसका पूरा वैसे रिव्यू भी देना चाहता हूँ, तो अगर आपने अच्छी तरह नहीं देखा तो जो भी अभी हम एनिमल्स देखेंगे उनको मैं ऐसे भी दिखाऊंगा अच्छी तरह, जिससे आपको समझ में आए कि कैसा दिखता है ये। तो आप देख सकते हो ये जंगली सुअर है। ओके, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट एनिमल कौन सा है। तो यहाँ पर जो एक लेडी खड़ी है, इनसे पूछ लेते हैं। ओके, तो इनसे बात करता हूँ मैं। तो आप गाइज, आप देख सकते हो मैंने इनसे बात कर लिया, तो इन्होंने कहा अभी तो कोई ख़तरा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे गायें खड़ी है। तो ये हमारा नेक्स्ट एनिमल है। तो आप देख सकते हो गायें भी काफ़ी ख़तरनाक, एकदम थोड़ा बहुत रियली लग रहा है ये। देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे शायद फार्म कोई खेती वेती का काम होता है। तो आप देख सकते हो कितने सारे अलग अलग वेराइटी, मतलब अलग अलग रंगों के गायें हैं। तो गाइस काफ़ी मस्त लग रहे हैं, तो आप देख सकते हो थोड़े बहुत रियल भी लग ही रहे हैं। तो ओके, तो यहाँ की तरफ भी काफ़ी खड़े हैं, मुझे लग रहा है शायद ये घास फूस खा रहे हैं। ओके, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो अभी हम आगे की तरफ चलते हैं। ओके, तो गाइस मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि इतने सारे गायें खड़े, अगर इन्होंने किसी ने भी सींग मार दिया तो सीन हो जाएगा। ओके, तो आप दिखा अभी मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसे दिखते हैं पास से। तो आप देख सकते हो ये तो काफ़ी थोड़ा बहुत मस्त, मतलब रियल लग रहा है। ओके, तो लोकेशन भी काफ़ी ख़तरनाक है, आप देख सकते हो यहाँ से ट्रेन भी जा रही है। ओके, तो गाइस अभी हम नेक्स्ट लोकेशन पर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो, ओ भाई यहाँ पे तो गाइस बंदर है। तो आप देख सकते हो मैं अभी गाड़ी के ऊपर खड़ा था, मेरी भी फटके हाथ में आ गई थी, कहीं बंदर कुछ करना दे, इसलिए मैं अभी गाड़ी के ऊपर चढ़ के खड़ा हो गया। तो आप देख सकते हो ये पता नहीं पूरे झुंड बना के खड़े हुए, कोई मीटिंग वीटिंग चल रही है इनकी। ओके, तो मैं देखता हूँ। ओ भाई गाइस सॉरी गाइस, मैंने इनको डिस्टर्ब कर दिया, तो गाइस मेरे को इनसे थोड़ा दूर ही चलना चाहिए। ओके, ओ भाई भाई नहीं, सॉरी भाई सॉरी गाइस, मैंने गलती से टक्कर मार दिया उसके, तो आप देख सकते हो बुरा मान गया। ओके गाइस, यहाँ से जल्दी निकलना ही सही है गाइस, ये बड़े ख़तरनाक से लग रहे हैं, कहीं पेल पाल ना दे मेरे को। तो गाइस आप देख सकते हो पूरी इनकी टीम खड़ी है इधर, कहीं मेरी बैंड बजा दे ये लोग, मिलके कपड़े वपड़े उतार दे मेरा भाई, काफ़ी ख़तरनाक है। तो मैं अभी आगे की तरफ चलता हूँ। तो गाइस अभी मैं इसका क्लोज लुक दिखाना चाहता हूँ, तो आप देखो कैसा लगता है पास से। तो काफ़ी मतलब थोड़ा सही रियली लग रहा है एक तरह से। ओके, तो गाइज़ आप देख सकते हो तो मस्त लग रहा है। तो गाइज़ अभी हम नेक्स्ट लोकेशन पे आ चुके हैं, यहाँ पे शायद मुझे लगा, हाँ यहाँ पे 3-4 तरह के डॉग्स आपको दिखेंगे। तो ये वाले डॉग को तो आप जानते होंगे, क्योंकि ये वाले जो डॉग है चॉप, फ्रैंकलिन के पास भी उसका नाम चॉप है, तो ये भी काफ़ी मस्त डॉग है। तो काफ़ी मिशंस में हमारे साथ इसका भी रोल बहुत सारे मिशनों में है। तो आप देख सकते हो ये वाले डॉग, ये भी काफ़ी ख़तरनाक है, शायद हस्की है, मतलब रियल लाइफ में इस कुत्ते का नाम हस्की है, तो इस गेम में भी काफ़ी रियली लग रहा है, तो काफ़ी ख़तरनाक है। तो यहाँ की तरफ गाइस आप देख सकते हो, यहाँ की तरफ ये वाले डॉग्स देख सकते हो, ये पग शायद आपको पता होगा, ये भी काफ़ी ख़तरनाक डॉग्स हैं। तो ये देखो आप गाइस कितना मस्त लग रहा है, काफ़ी मतलब रियल जैसा लग रहा है। तो ये वाले डॉग्स देखो गाइस, ये भी काफ़ी मस्त लग रहे हैं, छोटे छोटे से, ये सारे हाइट में छोटे होते हैं इसलिए मस्त लगते हैं ये लोग। ओके गाइस, मैं अभी आपको इन सबके क्लोज लुक दिखा देता हूँ एक बार, क्लोज लुक में कैसे लगता है। तो गाइस अभी देख सकते हो ये हस्की है, तो चॉप को तो आप सबने एपिसोड में देख रखा है, तो उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस ये वाले डॉग को देख सकते हो, काफ़ी मस्त लग रही है क्लोज लुक में। ओके, तो गाइस ये भी काफ़ी ख़तरनाक डॉग है, तो ये वाले डॉग को देख सकते हो, काफ़ी प्यारा है। तो आप देख सकते हो काफ़ी मस्त लग रहा है, छोटा सा एकदम, इसके बाल भी देखो एकदम कूल लुक दे रही है इसको।
तो गाइज आप देख सकते हो काफ़ी मस्त लग रही है। तो गाइज इस डॉग को तो कोई कौन नहीं जानता होगा, सब लोग जानते होंगे, इसको पग बोलते हैं, ज़्यादातर लोग इसे पालते हैं, तो काफ़ी मस्त डॉग है, आप देख सकते हो काफ़ी प्यारा लग रहा है। ओके तो गाइज अभी हम नेक्स्ट लोकेशन पर आ चुके हैं, आप देख सकते हो मेरी पूरी टीम भी आ चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखने वाले हिरण को, तो आप देख सकते हो कितने खतरनाक लग रहे हैं, सींग देखो गाइज इनके कितने बड़े बड़े से हैं। तो गाइज ये सब हमें देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ओके तो गाइज काफ़ी मस्त लग रहे हैं ये भी, तो मैं आगे की तरफ चलता हूँ, वहाँ पर भी बहुत सारे खड़े हैं। ओके थोड़े अलग अलग रंग के हैं ये, यहाँ पर देखो थोड़े थोड़े ब्राउन कलर के लग रहे हैं मेरे को। ओके तो गाइज ये भी काफ़ी मस्त, यहाँ पर देखो कितने सारे खड़े हैं, उस बंदे को देख रहे हो ऊपर क्या कर रहा है भाई, साइड हो जाएगा तेरे को सींग से उड़ा दें ये लोग। तो गाइस अभी देख सकते हो मैं क्लोज लुक में आपको दिखाता हूँ कैसे लगता है, तो काफ़ी मस्त लग रहा है, थोड़ा रियल ही लग रहा है एक तरह से, तो काफ़ी मस्त लग रहा है गाइस आप देख सकते हो। ओके तो गाइस काफ़ी मस्त लग रहा है गाइस। ओके तो गाइस मैं अभी नेक्स्ट लोकेशन पर आ चुका हूँ, तो गाइस ये बहुत खतरनाक है गाइस, बहुत रिस्क लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आप देख सकते हो अभी हम लॉयन के पास आ चुके हैं, यहाँ पे वाइट लॉयन भी एकदम सेंटर में आप देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे दो बॉडीगार्ड भी खड़े हैं, इनके पास गन देख सकते हो, ये शायद ये वो वाले गन है जिसमें बीओसी की दवाई होती है, तो इनको ये मारेंगे थोड़ी ना, ये पालने वाले हैं, तो कई बाई चांस ये लोग मेरे ऊपर अटैक करते हो, तो इसलिए इन्होंने रखा हुआ अपने पास। तो गाइस इसका क्लोज लुक दिखा देता हूँ, तो ये भी काफ़ी मस्त लग रहा है, तो काफ़ी खतरनाक सा लग रहा है गाइस, तो इससे तो काफ़ी इससे दूर ही रहना चाहिए गाइस, काफ़ी ख़तरनाक है, जंगलों में रहते हैं ये लोग। तो अभी गाइस हम दूसरे लोकेशन पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बिल्लियाँ हैं, प्यारी प्यारी बिल्लियाँ, तो आप देख सकते हो एकदम छोटे छोटे से हैं, जो थोड़ा अलग अलग कलर्स के हैं, तो यहाँ पर ब्लैक कलर, एक ग्रे कलर, एक ब्राउन कलर का देख सकते हो, तो काफ़ी प्यारे लग रहे हैं छोटे छोटे से एकदम। तो अभी मैंने इनसे बोला था लेकर आने के लिए, तो ये लेकर आया था बंदा, तो इसकी फ्रेंड भी यहाँ पर खड़ी है। तो गाइस आप देख सकते हो काफ़ी मस्त लग रहे हैं ये भी। ओके तो मैं अभी इसका क्लोज लुक आपको दिखाता हूँ। ओके तो काफ़ी मस्त लग रहा है गाइस। ओके तो गाइस अभी मैं इसका क्लोज लुक दिखाऊंगा आपको, क्लोज लुक में कैसा लगते हैं ये। ओके तो गाइस आप देख सकते हो इसका क्लोज लुक में कैसा लगता है, ये ग्रे कलर की कैट है, तो ये भी काफ़ी मस्त लग रही है गाइस, आप देख सकते हो ये भी थोड़ी बहुत रियल ही लग रही है। ओके तो गाइस मस्त लग रही है, शायद खुजला रही है। ओके तो गाइस अभी हम नेक्स्ट लोकेशन पर आ चुके हैं पहाड़ी के ऊपर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे शायद मुर्गी, यहाँ पे मुर्गियाँ हैं, ये मुर्गी है शायद, हाँ ओके गाइस ये मुर्गी है, तो यहाँ पे काफ़ी मुर्गी है, काफ़ी मस्त लग रहे हैं। ओके तो कुछ खाना वाना खा रही है पहाड़ों पर, तो यहाँ पे देख सकते हो कौवा ऊपर की तरफ बैठे हुए हैं, यहाँ पे तीन चार कौवे, तो आप देख सकते हो। ओके तो गाइस ये भी काफ़ी मस्त लग रहे हैं, कुछ खाना वाना पार्टी वार्टी चल रही है इनकी। ओके तो मैं शायद इसके ऊपर चढ़ गया, तो मैं आगे की तरफ चलता हूँ गाइस, तो वहाँ पे एक बंदा पूरे नज़ारे देख रहा है पहाड़ों के। ओके तो गाइस यहाँ की तरफ देख सकते हो यहाँ पे चील बैठे हुए हैं बहुत सारे, तो आप देख सकते हो चील भी काफ़ी मस्त लग रहे हैं। ओके तो ये भी काफ़ी रियल लग रहे हैं, तो इनसे भी थोड़ा दूर ही रहता हूँ, कहीं चपट्टा वट्टा मार दे गाइस। ओके तो गाइस मैं भी क्लोज लुक दिखाता हूँ, ये चील है, तो गाइस आप देख सकते हो कितना मस्त और कितना खतरनाक लग रहा है गाइस। ओके तो ये रियल लाइफ में भी थोड़ा बहुत ऐसे ही लगता है। ओके तो गाइस काफ़ी मस्त, तो गाइस ये काफ़ी बड़ा है, तो इसमें आपको छोटा लग रहा होगा, वैसे ये काफ़ी बड़ा है, तो ये भी काफ़ी मस्त लग रहा है गाइस आप देख सकते हो। तो गाइस ये अगला, तो आप देख सकते हो मुर्गी, तो मुर्गी को कौन नहीं जानता, तो ये भी काफ़ी मस्त लग रहा है, तो थोड़ा जंगली मुर्गी लग रहा है ये। ओके तो गाइस आप देख सकते हो ये भी काफ़ी मस्त लग रहा है मुर्गी। ओके गाइस देख सकते हो गाइस काफ़ी, मतलब GTA 5 में भी एकदम रियल एनिमल्स बना रखे हैं एकदम। तो गाइस अभी मैं नेक्स्ट लोकेशन पर आ चुका हूँ, तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कितने सारे खरगोश हैं, तो सारे अलग अलग कलर्स के खरगोश हैं, तो ये कोई लोकेशन लग रहा है, यहाँ इस लोकेशन को ढूंढना इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि ये तो माइकल को पता था, तो ये लोकेशन ज़्यादातर बहुत फेमस लोकेशन है, यहाँ पे खरगोश वाला बीच बोला जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बंगलो है वहाँ पे बना रखा है इस बीच को, तो काफ़ी मस्त है, तो काफ़ी दूर दूर से बंदे आते हैं इसको देखने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे खरगोश ही खरगोश है, तो काफ़ी मस्त लग रहा है, छोटे छोटे से कितने प्यारे प्यारे से लग रहे हैं, एकदम उधर इधर भाग रहे हैं, तो आप देख सकते हो काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। तो गाइस मैं आपको एक बार इसका क्लोज लुक दिखाना चाहता हूँ, क्लोज लुक में ये लोग कैसे लगते हैं, तो आप देख सकते हो क्लोज लुक में कितना प्यारा लग रहा है, खुजलाने में लगा हुआ है, तो इसके दोस्त लोग इसी को देख कर बैठे हुए हैं, तो गाइस ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। ओके तो ये भी थोड़ा बहुत रियल लग रहा है। तो गाइस अब हम आ चुके हैं समुद्र में, तो गाइस आप देख सकते हो कितना रिस्क लेके मैं आपको एनिमल्स दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो ये मैं पानी के अंदर आ चुका हूँ,
तो मैं पानी के अंदर का व्यू दिखा रहा हूँ आपको, समुंदर के अंदर का। तो यहाँ पे देख सकते हो ये शार्क है, तो काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है भाई। इसके दांत देखो गाइस, एकदम रियल लग रहा है। देखो गाइस कैसे झपट्टे मार रहा उधर उधर, दांतों को हिला के दिखा रहा है भाई। हम छोड़ूंगा नहीं किसी को, आ गया तो मेरे पास। तो गाइस आप देखो काफ़ी ख़तरनाक है, तो एक तरह से जंग समुंदर का शेर बोला जाता है इसको, किसी को नहीं छोड़ता। तो आप देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है। ओके तो एकदम मस्त लग रहा है। तो गाइज अभी नेक्स्ट फिश के पास आ चुके, ये है डॉल्फिन। तो गाइज ये भी काफ़ी मस्त लग रहा है, तो आप देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है, एकदम काफ़ी मज़े में लग रहा है। तो ये भी काफ़ी ख़तरनाक है। तो ओके गाइज आज के इस एपिसोड को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो गाइज आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिनको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइज एपिसोड को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें जिन्हें GTA 5 के एपिसोड अच्छे लगते हैं। तो और गाइज जो बंदे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डेली वीडियोस डालता हूँ। जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता, बस आपको लाल बटन क्लिक करना होता है। तो ओके गाइज थैंक यू गाइज इस एपिसोड को देखने के लिए। तो गाइज अभी आप देख सकते हो व्हेल के पास आ चुके हैं शायद, हाँ ये व्हेल ही है। तो काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है गाइज ये भी। तो गाइज आप देख सकते हो अभी पानी के लहरों में उधर उधर चल रहा है। ओ भाई, तो गाइज आप ये देख सकते हो काफ़ी छोटा लग रहा है, तो गाइज ये काफ़ी बड़ा है।